SYL के मुद्दे पर पंजाब की ओर से जमीन डी नोटिफाई करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने मामले में यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए। SYL मामले को लेकर हरियाणा सरकार की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान हरियाणा सरकार की ओर से पेश हुए वकीलों की तरफ से कोर्ट में कहा गया कि कोर्ट के 17 मार्च के आदेश का पंजाब सरकार खुले तौर पर उल्लंघना कर रही है और पंजाब सरकार किसानों को SYL की जमीन वापस कर रही है। हरियाणा सरकार ने कोर्ट से रिसीवर नियुक्त करने की मांग की, जिस पर पंजाब सरकार की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील राम जेठ मंडाली ने कोर्ट में कहा कि आप हमें नोटिस दीजिए, इसका हम जवाब दाखिल करेंगे। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को नोटिस भेज जवाब मांगा है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 3 रिसीवर नियुक्त किए हैं, जिनसे 15 दिन के अंदर अंदर रिपोर्ट दाखिल करने को कहा गया है। हरियाणा सरकार इस पर संतुष्ट नजर आए। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में नियुक्त रिसीवर केंद्रीय गृह सचिव, पंजाब के DGP और मुख्य सचिव से SYL की जमीन के हालात पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। मामले की अगली सुनवाई अब 15 दिसंबर को होगी, जिस पर एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में SYL को लेकर पंजाब और हरियाणा अपना अपना पक्ष रखेगी। कैमरामैन अमित के साथ पंकज कपाही, जी मीडिया, दिल्ली।